है काट दो, लेकिन ये कहते नहीं चलो ये मेरी चादर है ना इसके ऊपर डाल दूंगी। पीछे बिठा देंगे। हाँ पीछे बिठाएंगे। कपड़ा मेरे पास है। अभी 12 बजे का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्म हवा चली हुई है और उम्र को ना कल से ना बुखार है, जुकाम और बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार है। इसको ये आपकी भी दाल हो गई है, हमने कहा कि जल्दी जल्दी जाके ना इसकी दवाई ले आते हैं कहीं बुखार ज़्यादा ना हो जाए। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, ये सो सकता है ऐसे ना, है बुखार अब है? हाँ बुखार बहुत ज़्यादा, ये देखें इतना गर्म बादू है ना इसके। तो शुभाना को मैंने कहा कि आप चलें इसकी ना दवाई ले आते हैं हॉस्पिटल से जाकर, क्योंकि हॉस्पिटल ना इधर है हमारे जल्ला शहर में, ठीक है बड़ा तो सरकारी, तो उधर डॉक्टर बड़ा डॉक्टर होता है तो उसको चेकअप करवा के इसकी दवाई लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी तेज़ बुखार आया रात को भी, तो हमने कहा कि इंतज़ार नहीं करते डॉक्टर के, डॉक्टर का, क्योंकि वो ना देर से आते हैं डॉक्टर, जो प्राइवेट डॉक्टर है ना वो तकरीबन 5 से 6 बजे आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा रश होता है तो उधर उधर देर भी हो जाएगी, फिर इसको बुखार भी बहुत ज़्यादा है ना, ये सो सकता है ना ये चाल फिर सकता है। आओ चलें फिर, आओ आओ। चलो ये मेरी चादर है ना इसके ऊपर डाल दूंगी। पीछे बिठा देंगे। हाँ पीछे बिठाएंगे। कपड़ा मेरे पास है। नहीं 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 मैं तो बाहर आ गया हूँ सड़क के ऊपर, शबाना और ना उमर ना वो शबाना ना उमर के लिए कपड़ा लेने गई है, उसको साथ लेके, क्योंकि इतनी ये देखिए तेज़ हवा है और गर्म बहुत ज़्यादा हवा है, मैंने कहा कपड़ा लेकर आओ उसके सार पर ना कपड़ा कर देंगे, क्योंकि पहले से उसको बुखार है, कहीं फिर ज़्यादा बुखार हो ना जाए, क्योंकि इतनी तेज़ ये देखें हवा चली हुई है और गर्म हवा है बिल्कुल। तो वो जैसे ही आते हैं फिर चलते हैं। अभी हम घर पहुँचे हैं, ये सिरप ले हैं, ये है कुछ पाउडर होता है इसको बनाना पड़ेगा गर्म पानी करके। तो उमर अभी बैठ गया है, मेरे कहे पंखे की हवा लगवा लेते हैं, पंखा चल रहा है अभी। हाँ जी, सामान भी सोया हुआ था, अभी अभी उठा है, अभी अभी उठा है, हम भी इधर आए हैं घर, ये भी उठ गया है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने ना उमर को ना इंजेक्शन लगाया है बुखार का और इसको जुकाम भी था, वो सिरप एक दिया है लिख कर, तो बाहर स्टोर से लिया है, ठीक है इसको भी बनाते हैं फिर पिलाएंगे, 3 दिन पिलाना है, ठीक है एक ही सिरप दिया है बस बुखार का। हाँ। इतना उसने कहा जुकाम नहीं है, ये गर्मी की वजह से है, नहाएगा अभी ना, मैंने कहा उसने इसलिए तो हम गए हैं दवाई लेने, क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा है कि इसको नहाना है कि नहीं, उसने कहा इसको नहलाओ क्योंकि गर्मी का होता है बुखार। हाँ। तो बाहर भी नहीं जाने देना गर्मी की वजह से, हर बच्चे को बुखार हो रहा है, कल ये सारा दिन खेलते रहे, हुसैन आया हुआ था तो इसलिए वो उठ गया है, चौधरी चौधरी उठ गया है जी। हाँ किचन में से, और ना अभी शाम का टाइम है तो मौसम काफी अच्छा बना हुआ है, बादल काफी गहरे आ गए, लगता है कि आज बारिश इधर से बादल हैं काफी ज्यादा, इस साइड पर नहीं है, बारिश एक आ जाए ना फिर मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। वैसे 2 दिन हो गए पहले से ना कुछ बेहतर हो गया मौसम, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, अब ना मौसम अच्छा होता है, हवा वगैरह होती है। तो अभी बकरे को मैंने चारा भी डाल दिया है, ठंडा मौसम था मैंने कहा जल्दी जल्दी चारा पहले डाल दी बकरे को। तो आप ना जाएं अभी पानी भर के आएं और सब्जी भी लेकर आएं, देर हो जाती है फिर। चलो जाता हूँ अभी पानी भरने, ठीक है आप फिर लकड़ी ले आएं, ठीक है मैं लकड़ी लेने के लिए जा रही हूँ, मैंने झाड़ वगैरह ले लिया है। तो हुसैन अभी आया है, उमर की ना माशाल्लाह से तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है तो इसको हमने कहा कि आप नहा लें, एक बार नहाया है जब आया है, तो फिर इसने कहा कि मैंने नहीं नहाना, डॉक्टर ने कहा कि आप इसको 3-4 बार दिन में नहाएं, ठीक है फिर जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका दोस्त आ गया ना, तो आप फिर
खेलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, भागना नहीं है उमर। ठीक है, अब तबीयत ठीक है? ठीक है। तू सुना, तू क्या बदे? ठीक बदे। इसके ना पता है जिम्मे वाले दिन ना इसके बालों की कटिंग करानी है क्योंकि काफी बड़े हो गए हैं इसके बाद। चलो ठीक। आपके बड़े हो गए हैं ये देखें इधर से। हाँ, सेटें आपकी बड़ी हो गई हैं। चलो जब आएगा ना, कल ना परसों वाले दिन आएगा। वाह जी वाह, क्या बात है जी। उस्मान नहा रहा है, उस्मान को गर्मी लगती है तो इधर ही आ जाता है टूटी के नीचे। फुल खोल दिया जी। चलो जी, गिलास के साथ नहा लेता है, इतना बड़ा जवान है। हाँ, कैसे उस्मान, गर्मी है? हाँ उस्मान, कैसे गर्मी है? हाँ बता नहीं रहा, अभी गिलास पे गिलास डाल रहा है। वो तेरी खैर। जब ना उस्मान को गर्मी लगती है ना, ये कहता है मेरे कपड़े उतारो जल्दी करो, मैंने ना नहाना है। गर्मी लगी हुई है। चल बस करो बस करो, पानी ख़त्म कर दिया उस्मान ने। उमर ने भालों को निकाल लिया है और उमर के वो भी पानी भर के आ गए। हाँ, गर्मी आई। कहता है उस्मान, कहता है कि भालों को ना गर्मी लगी हुई थी, इसको नहा रहा हूँ। हाँ ढाल है। अच्छा, सारा खराब हो गया है। खराब थी गए तो कह के दबा उबारा थी गए। चाची के कपड़े पस गए। हूँ क्या थी पानी बाढ़ गए। मैं इसको रोकता रहा हूँ सामान को, मैंने कहा आप इसको ना कुछ करो। कहते कि नहीं, इसको गर्मी लगी हुई है, इसको नहलाते हैं। हूँ बुखार है कि ना? पानी चला गया सारा। सारा पानी निकल रहा है इसके नीचे से। हाँ, अब सूखने रख रहे हो? हाँ ठंडा हो गया अब ऐसा ना। हाँ गर्मी लगी हुई थी। हाँ वो देखो पानी निकल रहा है सारा। हाँ आप कपड़े देखा। हाँ क्या करूँ क्या है ये क्या थी बताई। हाँ क्या गर्मी लगी हुई थी भालू को, गर्मी लग गई थी। अच्छा किधर जाओगे? नाना जाओगे? अच्छा मोटरसाइकिल को देख लिया, आप जाओगे ऐसे? चाचू क्या कह रहा था? वो कहता मोटरसाइकिल खराब है। आज ना इस किचन में खाना बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कद्दू और बना रहे हैं चिकन, सारे मसाले शबाना ने रेडी किए हुए थे। कद्दू भी लेकर आया हूँ अभी और चिकन भी धो के मैंने रख दिया, क्योंकि कवों की वजह से ना इसको ढाक के रखा हुआ है, कवे तंग करते हैं। अच्छा किया है। तो प्याज गर्म हो जाए ना, फिर इसमें डाल दो। लेट हो गया हमें, क्योंकि उमर के वो पानी भरने के लिए गए, उधर काफी वक्त लग गया है। वो उधर रश होता है ना, हाँ, नल के पर पानी भरता है हर कोई। शाम के वक्त ज्यादा रश होता है, दोपहर को जाओ ना तो उस वक्त नहीं होता है इतना। वो उस वक्त तो गर्मी होती है ना, कोई भी नहीं जाता पानी भरने कभी। फिर दोपहर को बाहर आता हूँ, आज फिर ना काम पर गया हुआ था, थोड़ी देर से आया हूँ तो फिर पानी नहीं था, इन्होंने कहा पानी भरना है। फिर वो उमर की तबीयत ख़राब हो गई थी उस वक्त सुबह 12 बजे, फिर उसकी दवाई ली है। सारा दिन ऐसे फिर गुजर गया आज गर्मी में। अब मौसम ना ठंडा हो गया, अब हवा ना तेज़ हो गई है। हवा भी तेज़ हो गई है और आग भी तेज़ हो गई है हवा की वजह से ना। हाँ जी, इसमें लहसुन टमाटर हरी मिर्च ये बीच में डाल दीजिए।
प्याज को कट करना सीखा है। मैंने रहीम तो मसाले को पता लग चुका था, इसमें डालते हैं चिकन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हवा चल पड़ी है तेज़, अब ज़्यादा सूरज भी गुरूब होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है और आसमान पर भी बादल हैं माशाल्लाह से। एक बारिश हो जाए ना, मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हवा चल कर क्या बात है जी, ज़बरदस्त ऐसे हर रोज़ ना मौसम होना, फिर क्या ही बात है जी। ये देखिए क्या ही बात है, जब हवा चलती है ना सब चीज़ों को लगती है माशाल्लाह। सूरज जी अब इसके सामने ना बादल आ गया है, वरना थोड़ा सा हल्का सा सूरज बचा हुआ था, ठीक है, वैसे गुरूब होने वाला है। और परिंदों की देखें आवाज़ें, मौसम जब ठंडा होता है ना परिंदे भी बोलना शुरू कर देते हैं। देखें जी क्या बात है माशाल्लाह, ये लालियाँ जो होती हैं लालियाँ वो हैं, देखिए ऐसी आवाज़ होती है, बहुत ही प्यारे व्यू है माशाल्लाह। तंदूरी बिल्कुल गर्म है, हाथ जलता है। वो रोटी गिर गई मेरी ना, तंदूरी में जा रही है, हर रोज ऐसे होता है, गर्म रहती है हो गई तंदूरी। आपको भी सालन दिखाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए क्या ही बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। नहीं है ज़्यादा, आप कैसा लग रहा है? अच्छा बना हुआ है सालन, मैंने चेक किया है। तो माशाल्लाह से अभी आ रही है बारिश, ठीक है, अब ना तेज़ हो गया बारिश, पहले हल्की हल्की आ रही थी। और ये देखें जी क्या ही बात, बारिश ना तेज़ हो गई है, हमने कहा कि लकड़ी कहीं गीली ना हो जाएं, क्योंकि आग भी जलानी है और शाम का खाना भी बनाना है। तो कल वीडियो बनाई थी, कुछ आज बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना लाइट नहीं है। रात आई है आंधी, तो पीछे ना जहाँ से लाइट आती है ना, जैसे ये खंभे हैं ना वो गिर गए हैं, ठीक है। आसमान के ऊपर ना अब बादल गहरे हो गए हैं, पहले बारिश आई है रुक गई थी, अब फिर आ रही है बारिश। गाजर चेक करें, उस्मान कहता है कि अब दुकान पर चलें। हाँ हाँ अच्छा।